वेदांत योगा नेचुरोपैथी सेंटर में आपका स्वागत है। हमारे यहाँ एक भाभी जी आई और उनका पूरा पैर कॉर्नर से बिल्कुल एड़ी के पास से बहुत सूजा हुआ था और बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ रही थी। उनके पैर में बहुत दर्द था तो हमने उनके प्राकृतिक चिकित्सा करनी शुरू करी। सबसे पहले हमने उनके पैर के मर्म, जो चारों तरफ के पॉइंट थे, मर्म पॉइंट, हमने वो दबाए और मर्म पॉइंट दबाते दबाते उनकी स्वेलिंग थोड़ी थोड़ी उतरने लगी थी। हमने 10 से 15 मिनट तक सारे मर्म, जितने भी हमारे पैर के होते हैं उसके आसपास के, हमने सारे मर्मों को दबाना शुरू करा। 10 से 15 और ज़्यादा से ज़्यादा 18 बार हम एक मर्म को दबा सकते हैं। और जो उनका प्रेशर रहता है वो इतना रहता है कि सामने वाला उसे बर्दाश्त कर सके, क्योंकि जब हम मर्म दबाते हैं और वो जगह पर पेन होता है तो बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है। तो इतना ही हमें उस पॉइंट को दबाना चाहिए जितना वो पेशेंट उसे बर्दाश्त कर सके। तो हमने पूरा उनके पैरों को इस तरीके से चारों तरफ पूरी नसों को खींचा और उसके बाद हमने उनके लिए मड पैक तैयार कर रखा था। मड पैक वो भी गर्म, इस तरीके से गर्म मड पैक होता है। ये देखिए, मैंने आपको खोल के दिखाया है, ये पूरा मिट्टी का होता है, कॉटन के पूरे कपड़े में करके और टावल रखते हैं उसके ऊपर मड, गर्म गर्म मड पैक रख दिया जाता है 15-20 मिनट के लिए, जब तक मिट्टी ठंडी होती है। अब मड पैक हटाने के बाद हमने इनकी मसाज करनी शुरू करी है। ये देखिए, इस तरीके से जहाँ पर स्वेलिंग आ रही है ये मसाज कर रहे हैं। टोटल इनके मसाज करते हुए 10-15 मिनट के लिए हमने इतने, जहाँ पर इनके पेन था और स्वेलिंग थी वहाँ पर 10 से 15 मिनट के लिए मसाज की गई। और लास्ट में उनके रिव्यू जरूर देखिएगा। आपके पैर में स्वेलिंग आ रही थी, पॉइंट दबाए, आपको कुछ रिलीफ महसूस हुआ? हाँ, बहुत आराम मिला है मुझे, हमेशा आराम मिलता है। आपके यहाँ की जो सारी चिकित्सा है बहुत अच्छी है। धन्यवाद।